हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन रारा की रेसिपी, और उसे मैं कैसे तैयार करूँगी बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह। तो चलिए शुरू करते हैं। चिकन रारा बनाने के लिए दोस्तों मुझे यहाँ पे चाहिए चिकन। तो मैंने यहाँ पे एक बोल में लिया है 700 ग्राम्स चिकन लिया है मैंने। इसको अच्छे से वॉश कर लिया है और हम इसे करेंगे मैरिनेट। तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ सबसे पहले दही। तो मैं यहाँ पे हाफ कप दही डाल रही हूँ। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे मसाले। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। यहाँ पे मैं 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। हल्दी पाउडर डालूंगी मैं इसमें 1/4 चम्मच, और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, और उसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी 1/2 टीस्पून चिकन मसाला, और फिर मैं इसके अंदर डालूंगी कसूरी मेथी 1 टीस्पून। इसे हम अच्छे से क्रश कर लेंगे हाथों की मदद से। और दोस्तों ये जो चिकन है मेरे पास, इसकी क्वांटिटी मैंने आपको 700 बताई थी, वो धोखे से बताई थी। ये 750 ग्राम चिकन है मेरे पास, और ये गई कसूरी मेथी इसके अंदर। फिर उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी लेमन। तो मैं यहाँ पे आधा लेमन यूज़ कर रही हूँ, और आखिर में मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 टीस्पून ऑयल। और अब हम इसे हाथों की मदद से अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए मेरा चिकन अच्छे से मैरिनेट हो चुका है, और अब मैं इसे रेस्ट पे छोड़ दूंगी 30 मिनट्स के लिए। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसे 2 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे एटलीस्ट 30 मिनट्स के लिए तो रेस्ट पे छोड़े ही छोड़े। और यहाँ पे मैंने लिया है कढ़ाई में तेल, यही मैंने सरसों का तेल लिया है, ये 3 बड़े चम्मच है। और तेल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। उसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी कुछ खड़े मसाले। तो खड़े मसाले कुछ इस तरीके से हैं। यहाँ मैंने लिए हैं 2 तेज़पात के पत्ते, 1/2 टीस्पून जीरा, 1 बड़ी इलायची, 4 लौंग, छोटे से दालचीनी के टुकड़े, ये काफ़ी स्ट्रांग है इसलिए मैंने बहुत छोटे लिए हैं, 2 हरी इलायची, और यहाँ मैंने लिए हैं 10 से 12 काली मिर्च। और आप जो लें वो 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा लें, और ये मेरी काफ़ी स्ट्रांग है इसलिए मैंने काफ़ी कम ली है। आपको जैसे भी पसंद हो आप उस हिसाब से ले सकते हो। यहाँ तेल मेरा अच्छे से गर्म हो गया है। सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूंगी ये पत्ते, और उसके बाद मैं इसमें सारे मसाले डाल दूंगी। तो इनको हम अच्छे से चटका लेंगे ताकि इनकी बहुत ही बढ़िया खुशबू आ जाए। और अब मैं इसके अंदर डालूंगी प्याज। तो मैंने यहाँ पे 3 प्याज ली थी, इनको मैंने शरीर जैसा काट लिया है। ये मीडियम साइज की प्याज थी। प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक, इससे प्याज जो है वो काफ़ी जल्दी गल जाता है। और यहाँ पे मेरी प्याज भी अच्छे से सुनहरी हो चुकी है, भुन गई है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी कश्मीरी रेड चिली पाउडर। तो मैं इसमें 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ, और इसको भी हम इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसको भी मैं इसके साथ अच्छे से भून लूंगी ताकि इसका जितना भी कच्चापन है वो निकल जाए। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी टमाटो प्यूरी। तो यहाँ पे मैंने 2 टमाटर की प्यूरी तैयार कर ली थी, उसको करेंगे। तो यहाँ पे अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी ताकि ये सब कुछ अच्छे से पक जाए, और हम तब तक इसको पकाएंगे जब तक टमाटर जो है वो अपना तेल नहीं छोड़ देते। इसमें तेल आ जाए तब तक हमें इसे पकाना है। और यहाँ पे देखिए हमारे मसाले ने अच्छे से किनारे में तेल छोड़ दिया, आपको दिख रहा होगा। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी थोड़ा सा, पहले हम इसे चला लेंगे। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन जिसको हमने रेस्ट पर छोड़ा था।
और इसको हम मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पकाएंगे। और दोस्तों, मैं जो भी प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके उनको बाय कर सकते हो। और ये मेरा अच्छे से कुक होने के लिए तैयार है। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी चिकन। तो यहाँ पे मेरे पास कीमा है चिकन का, बहुत ही बारीक, और ये 250 ग्राम है। मैं इसको भी इसके अंदर ऐड करूँगी और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे इसके साथ ही। और अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे सूखे मसालों में ले रही हूँ, सबसे पहले हल्दी पाउडर, वो मैं ले रही हूँ 1/4 चम्मच। उसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून। फिर मैं इसके अंदर डालूँगी सूखा धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून। फिर मैं इसमें डालूँगी गरम मसाला पाउडर 1/4 चम्मच। और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। याद रखें, हमने पहले भी इसमें नमक डाला था, लेकिन फिर भी मैं इसके अंदर नमक डाल रही हूँ अभी 1/2 टीस्पून। और साथ में मैं डाल रही हूँ चिकन मसाला 1/4 चम्मच। और उसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून। और इन सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अपने मसालों के साथ चिकन को हम अच्छे से भूनेंगे ताकि ये सारे फ्लेवर ले ले और जो हमारा कीमा है चिकन का वो भी अच्छे से पक जाए इसके अंदर। और हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं वो बिल्कुल भी जले ना और सारी चीज़ें अच्छे से पकें। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी लिया है, वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, अपने मसाले के अकॉर्डिंग आपको कैसा पानी डालना है। मसाले पकने चाहिए और चिकन अच्छे से भुनना चाहिए। और यहाँ पे देखिए, मेरा चिकन और मसाले अच्छे से भुन गए हैं और लेग पीस भी काफ़ी हद तक पक गया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी दही। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 बड़े चम्मच दही, उसको अच्छे से बीट कर लिया है और उसको डालूंगी मैं इसके अंदर। और दही को हम अच्छे से पकाएंगे। दही जब डालें तब आप गैस की फ्लेम को एकदम लो कर लें ताकि वो फटे ना। अगर हाई फ्लेम पर आप दही को डाल देंगे सब्ज़ी के अंदर तो वो फट जाएगा, इसीलिए आप फ्लेम को एकदम लो करें। और यहाँ पे दही को मैं अच्छे से पकाऊंगी इसके अंदर। यहाँ पे मेरा दही अच्छे से पक चुका है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 2 बड़े चम्मच मलाई। तो मैं यहाँ पे क्रीम डाल रही हूँ और इसको भी मैं इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और यहाँ पे मेरी सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब मैं इसके अंदर डालूंगी पानी। आपको जैसी ग्रेवी रखनी है आप उस हिसाब से पानी ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पे गर्म पानी ऐड कर रही हूँ, आप गर्म पानी ही ऐड करें, उससे आपकी ग्रेवी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया बन जाएगा। और जो इसकी ग्रेवी है वो बनते बनते काफ़ी गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए पानी आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा ही रखें, क्योंकि जब जलेगी तो अपने आप गाढ़ी होने लगेगी और ठंडी होगी तो और भी ज़्यादा गाढ़ी जाएगी। तो पानी आप थोड़ा सा ज़्यादा रखें। और मैं इसको एक बार मिक्स कर दूंगी और अब मैं इसे ढक दूंगी कम से कम 15 मिनट के लिए। लो फ्लेम पर हम इसे ढक कर पकाएंगे। यहाँ पे हमारे चिकन को 15 मिनट हो गए हैं और हम उसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमारे चिकन का कलर कितना बढ़िया आया है और ये पूरे तरीके से पक चुका है। इसको मैं मिक्स करूँगी एक बार। इसकी ग्रेवी भी काफ़ी सही है, जैसी मुझे चाहिए थी वैसे ही ग्रेवी है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी धनिया। तो मैं यहाँ पर हरा धनिया ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी ग्रीन चिली। तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से ग्रीन चिली काटी हुई है, आप जैसा चाहो आप वैसे डाल लो। और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा जिंजर। यहाँ पे मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और ये हमारी सब्जी पूरे तरीके से तैयार है बनके। अब हम करेंगे इसकी प्लेटिंग और लास्ट में मैं इसके ऊपर डालूंगी थोड़ा सा गर्म मसाला
और इसके बाद इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और ये हमारा चिकन रारा एकदम तैयार है। और ये देखिए दोस्तों, मेरा चिकन रारा एकदम तैयार है, बहुत ही डिलीशियस बना है। मैं आपको बिल्कुल पास से दिखा देती हूँ कि ये कितना डिलीशियस है और बहुत ही जूसी है। मैंने इसको कुछ ग्रीन चिली, हरा धनिया और नींबू के स्लाइस के साथ गार्निश करा है। ये देखिए, आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें नान के साथ, चपाती के साथ या राइस के साथ, किसी भी साथ आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें, बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा आपको खाने में। और आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ईजी है।